वेलकम बैक टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर थ्री के पूरे 75 क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस पेपर को खुद अटेम्प्ट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू विजुअल नेट सीरीज। और आज हम 2012 जून महीने का पेपर थ्री करेंगे। तो 17 जुलाई 2020 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। नेम द पेंटर ऑफ द स्क्रीम। द स्क्रीम को पेंट किया है एडवर्ड मंच ने, और ये वाली पेंटिंग इसकी काफ़ी बढ़िया वाली मानी जाती है और काफ़ी फेमस भी है। 1893 में इसने इसको पेंट किया था, ठीक है। एडवर्ड मंच भी काफ़ी फेमस कलाकार है, तो इसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इनका जन्म 1863 के अंदर नॉर्वे के अंदर हुआ, ठीक है। और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं और इनकी तो ये इस पेंटिंग से बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु क्रिएट द फेमस स्कल्पचर द थिंकर। द थिंकर जो एक फेमस स्कल्पचर है, इसको बनाया एक फेमस कलाकार अगस्तस रोडिन ने। रोडिन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। इनका जन्म 1840 पेरिस के अंदर हुआ था, जो फ्रांस के अंदर है, ठीक है। और द थिंकर इसका फेमस है। इनके तीन काम मैं बताता हूँ जो बहुत फेमस है और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो है द किस, दूसरा है दथिंकर हो गया, तीसरा हमारा हो जाएगा गेट्स ऑफ हेल, ठीक है। ये तीन काम इसके काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे सामने। विच प्रोविंस इंडो इस्लामिक स्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय फेमस मॉन्यूमेंट जहाज महल। देखिए, जहाज महल में यानी जो इंडो इस्लामिक शैली का यूज़ किया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया जो स्टाइल, तो वो है मालवा का, ठीक है। और ये जहाज महल बनवाया था ग्यासुद्दीन ने बनवाया था ये जहाज महल। और बेसिकली ये यानी मालवा मांडू के अंदर है, जो एमपी के अंदर पड़ता है। और जहाज महल बनवाया था जो उनकी बेगम थी उसके लिए, और उसको कहते हैं हरम, जहाँ पे सिर्फ इसकी बेगम रहा करती थी। और सबसे अच्छी इंटरेस्ट बात बताता हूँ कि हरम के यानी बेगमों के लड़के को हराम ज़्यादा कहा जाता था, ठीक है। हराम से हरम और ज़्यादा, हरम का यानी बच्चा, हराम ज़्यादा, ठीक है। तो आजकल ये टाइम में गाली मारनी जाती है, बट रियल चीज़ बताई है मैंने आपको, हराम ज़्यादा कहाँ से आया, ठीक है। तो ये जहाज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन विच म्यूजियम फेमस गुप्ता स्कल्पचर गोवर्धनधारी इज हाउस्ड। ये गोवर्धनधारी वाला जो स्कल्पचर है वो किस म्यूजियम में है गुप्ता समय का, तो ये है वाराणसी वाले भारत कला भवन में, ठीक है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट भारत भवन में यानी भोपाल में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भोपाल में बीच में कला नहीं आएगा, ध्यान रखना, और वाराणसी वाले में बीच में कला आएगा, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे ट्रिपल बी बन रहा है और यहाँ पे डबल बी बन रहा है, बस ये ध्यान रखना। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, नट मंडप ऑफ कोणार्क टेम्पल, कोणार्क कसम टेम्पल है जो, इज लोकेटेड सेपरेटली ऑन ए हाई प्लिंथ वेयर इट इज़। तो ये कहाँ पर है, तो हमें लोकेशन का बताना है। इन फ्रंट ऑफ जगन्नाथ, बिल्कुल सही। साउथ नहीं, नॉर्थ नहीं, बैकयार्ड नहीं। देखिए, ये जगमोहन हमारे एकदम सिधाई में होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहले आता है हमारा अर्धमंडप, फिर मंडप आता है, फिर महामंडप, फिर अंतराल, फिर गर्भगृह। तो ये सारे है ना एकदम स्ट्रेट होते हैं, कहीं से ये टर्न वन बिल्कुल नहीं होते, ना ही साउथ की तरफ मुड़े होते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। लास्ट में हमारा गर्भगृह होता है, जहाँ पे हमारी मेन मूर्ति रखी होती है, ठीक है। और ऐसे ही चलता है हमारे टेंपल आर्किटेक्चर में। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे सामने। हु रोट द फर्स्ट रिव्यू ऑफ आर्ट एक्सपोजिशन कॉल्ड सैलोन द रिफ्यूज। जो सैलोन द रिफ्यूज है, वो वर्ड जो पढ़ा था वो पेरिस से पढ़ा था। पेरिस में जो फ्रांस है, इसके अंदर एग्जीबिशन हुई थी, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्टों की पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसी के ऊपर फिर इम्प्रेशनिज्म पड़ा है ना। तो ये सैलोन द रिफ्यूज के यानी जो रिव्यू किया था फर्स्ट टाइम, तो ले रॉय ने किया था। ये इसका ऑप्शन यानी ये है आंसर, तो ठीक है। फिर आपको बताया था ना मैंने सैलोन द रिफ्यूज, फिर जो रिजेक्ट हो गई थी पेंटिंग, उनमें से यानी क्लाउड मॉनेट की भी एक थी, जिसके ऊपर पूरा इम्प्रेशनिज्म वाला मूवमेंट चला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, बर्निंग ऑफ मार्बल कुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू द फॉर्मूला।
देखिए ये जो CaCO3 लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसे। अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब हीट मिलती है ना, तब ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये उड़ जाती है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं यहाँ पे लाइम कहते हैं, ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम के जो क्रिस्टल होते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ब्रॉन्ज, यहाँ पे ब्रॉन्ज का मेल्टिंग टेम्परेचर पूछा है, तो UGC ने इस क्वेश्चन को ऑल माना है, मतलब यानी रॉन्ग माना है, जो अटेम्प्ट करेगा उसी को नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर होता है, जो ये ब्रॉन्ज का अलॉय होता है, इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है वो 950 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और बाकी ये अलॉय पे डिपेंड करता है, जो इसके अंदर धातु डाली होती है, मेटल डाले होते हैं, वो उस पे डिपेंड करता है, जिंक कितना डाला है, टिन कितना डाला है, कॉपर कितना है, ये सारा यानी इस पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, एक नॉर्मल वाला बताया मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। मार्क अनरेस्ट एसोसिएटेड विथ, देखिए मार्क्स अनरेस्ट एसोसिएटेड थे सरिलिज्म के लिए, सरिलिज्म से रिलेटेड थे, और सरिलिज्म में सबसे बड़ा नाम आप पता ही है डाली है, और सरिलिज्म में आपको पता होगा कि कैसे रियल ऑब्जेक्ट को यानी कुछ अलग वाली दुनिया में लेके जाया जाता है और कुछ और ही बनाया जाता है। तो ये था हमारा ए ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, द आर्टिस्ट दो इनिशियली फॉर्म द कलकत्ता ग्रुप पर, कलकत्ता ग्रुप किसने फॉर्म किया और कौन कौन मेंबर थे वो मैं आपको बताऊंगा सबसे, यहाँ पे निरोध मरुमदार, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ, जो ये सुबोध टैगोर है ना, सुबोध टैगोर जब लंदन से आए तो इन्होंने इंडिया में आके ये वाला ग्रुप बनाया 1943 में, और कलकत्ता ग्रुप बनाया था 1943 में इन्होंने, और सुबोध टैगोर है हमारे रविंद्रनाथ के पोते और अवनींद्रनाथ के नेफ्यू, ठीक है, और इन्होंने 1943 में बनाया था। प्लास्टिक आर्टिस्ट समथिंग इनका कॉन्सेप्ट था, जिनको यानी कई सारे आर्टिस्टों को लेकर इन्होंने 1943 में ये ग्रुप फॉर्म किया, कलकत्ता ग्रुप, जो 53 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाद में, ठीक है, बंक कर दिया गया था बेसिकली। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गेट्स ऑफ पैराडाइज वॉज क्रिएटेड बाय, गेट्स ऑफ पैराडाइज किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, ये था हमारा लॉरेंजो गिबर्ती। बहुत फेमस कलाकार है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। 1376 में इनका जन्म हुआ इटली के अंदर ही, और ये इटालियन स्कल्प्टर है बहुत बड़े, और इन्होंने जब ये गेट्स ऑफ पैराडाइज बनाया था, ये बनाया था इन्होंने फ्लोरेंस का जो बैपिटिस चर्च था ना, बैपिस्टी चर्च के लिए बनाया था, और इनके यानी बैपिस्टी चर्च ने दो गेट डिज़ाइन करवाए थे, एक तो रॉडिन यानी इससे गिबर्ती से करवाए थे, दूसरा कराया था पिसानो से, पिसानो ने नॉर्थ वाला गेट किया था, तो इसने साउथ वाला गेट तैयार किया, उसी पर ये अपना गेट्स ऑफ पैराडाइज बनाया, जिसमें थोड़ा सा रिलीफ में दिखेंगे आपको सारे जो स्कल्पचर्स हैं। और जो ये गेट्स ऑफ पैराडाइज हैं, ये वाला शब्द दिया था माइकल एंजेलो ने, इस आर्टवर्क को देख कर दिया था, ठीक है, इसका यानी कॉन्सेप्ट नहीं था कि मेरे को गेट्स ऑफ पैराडाइज बनाना हो, उसको तो यानी अपना रिलीफ बनाना था गिबर्ती को, बट इसको जो वर्ड दिया, जो टर्म दिया, वो माइकल एंजेलो ने दिया, ठीक है, माइकल एंजेलो ने कहा इसको गेट्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है, ये थोड़ी सी हमने एलोबरेट कर दिया, ऐसे ही मैं करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, आफ्टर द ड्रॉइंग ऑन लिथोस्टोन द वॉश आउट सोल्यूशन इज स्प्रेड सो दैट, देखिए जब लिथोस्टोन होता है ना, जैसे ये हमारा लिथोस्टोन है, इस पर ड्रॉइंग करने पर स्टोन वॉश आउट सोल्यूशन स्प्रेड सो दैट, इस पर हम जब ड्रॉइंग कर लेंगे और वॉश आउट सोल्यूशन लगाते, गम अरेबिक लगाते, तो थोड़ी सी ना जो ड्रॉइंग होती है वो फैट सी हो जाती है। तो रीज़न देखते हैं, यानी ऑप्शन देखते हैं, स्टोन गेट्स स्मूथर, स्टोन विद ब्लैक पिगमेंट कम आउट एंड ग्रीस गेट्स, हाँ ये वाला बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्या होता है, हल्का सा फैट पड़ जाता है जब हम इंक लगाते, ग्रीस लगाते और गम अरेबिक दो तीन बार लगाते हैं,
तो जो इंक होती है वो निकल के आती है हमारे ड्राइंग वाले पोस्टर में और फिर जो आगे हमारे पेपर पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, एल्यूमिनियम एच्ड इज बाय, तो एल्यूमिनियम एच होती है कास्टिक सोडे द्वारा। कास्टिक सोडे का जो केमिकल नाम है वो है सोडियम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाला जो केमिकल होता है वो यूज़ किया जाता है यानी कास्टिक सोडा में, और इससे एल्यूमिनियम की जो प्लेट होती है वो एच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस इज़ यूज्ड। देखिए ये वाला क्वेश्चन यूजीसी ने गलत ऑप्शन की वजह से ऑल कर दिया है, मतलब जो अटैम्प्ट करेगा उसको आंसर मिलेगा एक क्वेश्चन यानी मिलेगा नंबर, सॉफ्ट ग्राउंड का प्रोसेस इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, फर्स्ट मूवेबल टाइप वाज इन्वेंटेड बाय। फर्स्ट मूवेबल टाइप आप सबको पता होगा, जॉन गुटेनबर्ग ने 1450 के अंदर अपना इन्वेंट किया था। ठीक है, और ये आसान नहीं था, इन्होंने बहुत सारा कर्जा वगैरह लिया था, मैंने इसके पढ़ा था इनके बारे में, और कई केस भी हो गए थे यानी जिस जो कर्जदार थे जो लाला थे उन्होंने इस पर केस कर दिया। बाद में फिर थोड़ा सा इन्होंने करा जैसे कैसे, छोटी प्रेस खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन वुड कट सम टाइम प्रिंट मेकर टेक एडवांटेज इन हिज डिज़ाइन। तो प्रिंट मेकर क्या एडवांटेज उठाते हैं अपने डिज़ाइन में वुड कट करते समय? हार्डनेस का फ़ायदा उठाते हैं, सॉफ्टनेस का उठाते हैं, नेचुरल वुड टेक्सचर का उठाते हैं और वुड स्मूथनेस का उठाते हैं। तो ये जो नेचुरल चीज़ है उसमें जो यानी हमें बेनिफिट मिल जाए उसका सबका फ़ायदा उठाया जाता है। यूजीसी के अनुसार ये ऑल है आंसर, तो यहाँ पर भी ऑल ही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, एसिड यूज फॉर कॉपर प्लेट एचिंग। जो कॉपर की प्लेट है उसमें यानी कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? तो वो वाला एसिड है फेरिक क्लोराइड एसिड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड एसिड जैसे कॉपर प्लेट हो गया, जिंक प्लेट हो गया, इन पर यानी एच करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है जिंक वाली प्लेट पर और सिल्वर वाली प्लेट पर। इन प्लेट पर हम एचिंग कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड यूज़ करके, और फेरिक क्लोराइड एसिड जिंक कॉपर के लिए यूज़ हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, द मेजर वीकनेस ऑफ टीवी एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम इज। टीवी की वीकनेस बतानी है जो एडवर्टाइजिंग होती है, तो लिमिटेड ऑडियंस नहीं, टू मैनी एड्स ग्रुप टुगेदर, हाँ ये वाला हो सकता है, दे आर टू एक्सपेंसिव बोरिंग, तो ये तो गलत हो जाएंगे। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप भी शैम्पू बेच रहे हो और आप जैसे 10 लोग और बेच रहे हैं उसी टेलीविजन पे ऐड दे रहे हैं, तो सबके ग्रुप ना एक ही समय पे आ रहे होते तो किसी को भी फायदा नहीं हो पाता। ठीक है, तो वही कहा गया टू मैनी एड्स ग्रुप टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन एड्स कॉपी इज। एड कॉपी में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? हमारा मैसेज होता है जो हम आगे यानी प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, कि हम मैसेज क्या दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट का मैसेज क्या है, वो कैसे बेनिफिट कर सकता है आपको। तो मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है अपना एड कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, स्वॉट एनालिसिस इज बेस्ट अप्रिसिएटेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। देखिए जो स्वॉट एनालिसिस है उसके लिए सबसे बेस्ट यूज़ होगा, मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है, और मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म देखा जाए तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन चारों को एनालाइज किया जाता है मार्केटिंग के अंदर, जिससे हमारे थोड़ा सा प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, वीकनेस और स्ट्रेंथ और थ्रेट्स के आने वाले सबके बारे में हमें पता चलता है। तो ये रहता है हमारा प्रोसेस, तो हमारे यहाँ पे मार्केटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एड इज। एड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछा गया है, तो प्रॉमिस इट मेक्स बिल्कुल, ओरिजिनलिटी बिल्कुल, एबिलिटी टू अपील बिल्कुल, प्रोफेशनलिज्म, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मेरे को बिल्कुल सही लग रहे हैं और यूजीसी ने भी इसको सही माना ऑल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने, कैंपेन प्लानिंग हैज़ बीन इनकॉर्पोरेट इन एडवर्टाइजिंग फॉर्म। देखिए जो कैंपेन वाला जो प्लानिंग वाला है वो इनकॉर्पोरेटेड इन एडवर्टाइजिंग फॉर्म, तो ये आया है हमारा मिलिट्री प्लानिंग से, क्योंकि मिलिट्री में होता है ना कभी एयरफोर्स से स्ट्राइक करना करते, कभी नेवी से स्ट्राइक करते, कभी पैदल चल के स्ट्राइक करते, कभी टैंक लेके स्ट्राइक करते, तो ये यानी कैंपेन वाला जो शब्द है वो हमारे जो एडवर्टाइजिंग में आया तो वहीं से आया है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है, टैग लाइन इज नोन एज, जो टैग लाइन है उसको जाना जाता है पंच लाइन के नाम से भी, और आजकल इसको कैची लाइन और कई नाम आ चुके हैं इसमें मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इन विच ईयर पिकासो वर्क फॉर हिज ब्लू पीरियड। पिकासो जो बहुत जाना माना नाम है, स्पेनिश आर्टिस्ट है, तो पिकासो ने ये ब्लू पीरियड बनाया था 1901 से लेकर 1904 के बीच, और इसके बाद भी एक रोज पीरियड बनाया था, ठीक है, जिसे पिंक सीरीज भी कहते हैं लोग, तो रोज पीरियड पे काम किया था, और ये किया था 4 से लेकर 6 के बीच में, 1904 से 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, हु सेड, तो लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, ये कोटेशन है पॉल गॉगिन का, पॉल गॉगिन जो काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग अ सरफेस सेट बाय, देखिए ये कोटेशन कितना है, किसका है, कितना प्यारा कोटेशन है, तो ये कोटेशन है सुराट का, जॉर्ज सुराट का, और सुराट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट है। इन्होंने देखिए क्या, यानी जब पॉइंटलिज्म का नाम आता है ना, तो सबसे बड़ा आर्टिस्ट हमारा जॉर्ज सुराट आता है, और इनका जन्म 1859 में हुआ है, फ्रांस के ही जन्म इनका। फिर पॉइंटलिज्म में तो आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे बड़ा नाम है इनका पॉइंटलिज्म में, क्या होता है ना यानी जैसे, और इल्यूजन भी काफ़ी अच्छा क्रिएट करवाते हैं ये पॉइंटलिज्म है, जैसे मेरे को यहाँ पे ऑरेंज का फील लाना है तो मैं रेड और येलो के ऐसे से डॉट मारूंगा कि ऑरेंज का फील आ जाएगा थोड़ी डिस्टेंस पे, और जब मैं करीब जाके देखूंगा तो रेड और येलो अलग अलग दिखेंगे। ब्लू कलर भी ऐसे डालते हैं, यानी कुछ अलग ही लेवल था इनका जो सुरात का, बहुत बहुत बढ़िया काम था इनका, और मैंने खुद देखा था इनका काम, और इनका एक बढ़िया काम मैं आपको बताता हूँ, आप जाके नेट पे सर्च करिए और डिटेल में देखना ये वाला काम, जब आएगा आपको समझ में। इसका काम है अ संडे आफ्टरनून, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ना वो वाली चीज़ देखना, इसके डॉट देखना कौन से कलर है, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस से देखना वही चीज़, क्या मज़ा आएगा ना आपको, बिल्कुल अनदर लेवल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, हु सेड द कलर इज पर्सपेक्टिव, यानी कलर इज पर्सपेक्टिव किसने कहा, तो ये कहा सेजान ने, पॉल सेजान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द फेमस आर्टिस्ट हु पेंटेड थ्री वुमेन इन ऑयल, थ्री वुमेन इन ऑयल आपको पता ही, अमृता शेरगिल ने पेंट किया था, और ये किया था 1985 के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ प्राणनाथ मांगोस पेंटिंग, देखिए प्राणनाथ मांगो की पेंटिंग का टाइटल के बारे में पूछा है, जो यहाँ पे एक भी नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्राणनाथ मांगो यानी पाकिस्तान में जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया था 1900 के अंदर, और पाकिस्तान में जन्म हुआ था, और दिल्ली शिल्पी चक्र के भी पीछे ये थे, और 1949 में जो बना था दिल्ली शिल्प चक्र, और प्राणनाथ मांगो के यानी जो 19वीं शताब्दी के जो यानी 20वीं शताब्दी के जो चित्र हैं उसमें सही में बहुत बढ़िया फील आते हैं। मैं इसके ना तीन काम बताता हूँ आपको, अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। एक है रोमर करके, ठीक है, रोमर्स वाले जो यानी पेंटिंग है ना इनकी प्राणनाथ मांगो की, उसमें गॉसिप करती हुई औरतें दिखेंगी, यानी भ्रम फैलाती हुई औरतें, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाई है। फिर आती है मॉरन वाली, मॉरन्स में आपको यानी कुछ अलग ही फील आएगा, यानी जैसे कंबल ओढ़ के मातम मना रहे हो, तो वो वाला फील आता है मॉरन वाली पेंटिंग में। और तीसरी पेंटिंग मैं बताता हूँ इसकी, यानी फेयरवेल,
फेयरवेल में यानी जो आपको देखना चाहिए ना वो ज़रूर देखनी चाहिए इसकी पेंटिंग, क्योंकि जो 20वीं शताब्दी जो 19वीं यानी 1900 लेकर 1923 से जो इनका जन्म से रहा वो वाली यानी चीज़ें ना 2020 में देखोगे आप 21 में देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा वो वाली चीज़ों, उनका कॉस्ट्यूम देखकर उनके हाव भाव। फेयरवेल वाली पेंटिंग में वो जो पैर छू रहे एक दूसरे के बना रहे जश्न मना रहे तो उनके जो अलग फीलिंग थी उनके जो आइडियाज़ थे वो देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, कल्चर वगैरह। तो ये तीन पेंटिंग मैंने आपको बताई प्राणनाथ मांगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेशन कहता है फॉर एवरी वर्क ऑफ फाइन आर्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन यानी एब्स्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन आर एसेंशियल। बिल्कुल सही कहा गया है, एक्सप्रेशन तो बहुत ज़रूरी है यानी इमेजिनेशन भी ज़रूरी है टू क्रिएट एनी फाइन आर्ट, ठीक है। रीज़न कहा जा रहा है इन क्रिएशन ऑफ आर्ट इमेजिनेशन हेल्प टू मेक इमेज, एब्स्ट्रैक्शन इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म एंड एक्सप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन। यहाँ पे बिल्कुल सही कहा गया है, जो क्रिएशन ऑफ आर्ट है वो इमेजिनेशन पे बेस है, एब्स्ट्रैक्शन कंसर्न स्ट्रक्चर पर, और रिस्पॉन्स जो हमारा इमोशन है वो इमोशन रिस्पॉन्स पे। तो हमारे रीज़न भी सही है और असेशन भी सही है, तो हमारा बोथ है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, असेशन कह रहा है अर्ली रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया क्लियरली बियर्स द इम्प्रिंट ऑफ वुडन आर्किटेक्चर। देखिए यहाँ पे असेशन बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो रॉक कट के हमें आर्किटेक्चर मिलते हैं जैसे आप लोमेश ऋषि की गुफा देखो तो वो वुड का ही जो एंट्रेंस है वो वुड का ही बना हुआ है, तो वुड कार्विंग से काफ़ी आर्किटेक्चर से काफ़ी प्रभावित थे वहाँ के यानी लोग, इसलिए उन्होंने रॉक कट में यानी अप्लाई किया वो चीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन यानी असम्पशन सही है, बिकॉज रीज़न देखते हैं, बिकॉज द पीरियड इन द पीरियड बिटवीन द हरप्पा एंड 5th-6th century BCE द वुडन आर्किटेक्चर वॉज इन वॉग इन इंडिया एंड लेटर शिफ्टेड टू ड्यूरेबल स्टोन मीडियम। तो हमारे रीज़न में बिल्कुल सही बताया गया कि हड़प्पा समय से 6वीं और 5वीं शताब्दी में जो वुडन आर्किटेक्चर हुआ था वो भी था जो शिफ्ट हो गया ड्यूरेबल स्टोन मीडियम में। तो यहाँ पे रीज़न असम्पशन बिल्कुल सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, असम्पशन कहता है माइकल एंजेलो इन हिज लेटर फेज लेफ्ट सम पार्ट ऑफ हिज स्कल्पचर डेलिबरेटली अनफिनिश्ड। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो माइकल एंजेलो है उन्होंने अपना जो स्कल्पचर का काम था थोड़ा सा छोड़ दिया अधूरा, असम्पशन सही है। रीज़न कहा जाता है ही ग्रो ओल्ड एंड वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, उनका इंटरेस्ट थोड़ा पेंटिंग में हो गया था शिफ्ट और थोड़े से बूढ़े भी हो गए थे। बट ये इंटरेस्ट कैसे आया, तो ये इंटरेस्ट आया जब इन्होंने सिस्टाइन चैपल के जो छत थी वहाँ पे पेंट करा, और सिस्टाइन चैपल को जब उन्होंने ब्यूटिफाई किया ना तो इनको लगा कि पेंटिंग में ज़्यादा मज़ा है, तो इनका जो शिफ्ट यानी जो इंटरेस्ट था वो शिफ्ट हो गया स्कल्पचर टू पेंटिंग। तो हमारा बोथ आर वैसे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रीज़न भी असम्पशन दोनों सही है, यहाँ पे बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, असम्पशन कहता है हेनरी मूरे डिड नॉट एम एट ब्यूटी विच प्लीज ओनली। हेनरी मूरे जो यानी अपनी क्रिएट करते थे चीज़ें वो यानी ब्यूटी क्रिएट करते थे, किसी की खुशी के लिए नहीं करते थे। बिल्कुल सही है, नॉट प्लीज ओनली। रीज़न कहा जा रहा है बिकॉज हिज वर्क्स हैव अ पेंट अप पावर एज अ प्रिमिटिव स्कल्पचर, और उनके वर्क में भी जैसे आदिम काल के यानी स्कल्पचर को देखा जाता है उनके वर्क में भी थोड़ी सी पेंट अप पावर इनसाइड पावर दिखती है। तो रीज़न वगैरह बिल्कुल सही है, असम्पशन भी सही है, बोथ आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, असम्पशन कहता है ऑल ग्रेट आर्ट ग्रो आउट ऑफ अ यूनिफाइंग आइडियल। बिल्कुल सही, हर एक ग्रेट आर्ट के पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं जो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज ग्रेट आर्ट ऑलवेज इवोक्स लाइफ ओनली। तो यहाँ पे ओनली लगाकर थोड़ा सा इन्होंने रीज़न गलत कर दिया, ग्रेट आर्ट हमेशा लाइफ के लिए नहीं होता सिर्फ, तो ग्रेट आर्ट का हर जगह यूज़ होता है, तो रीज़न हमारा गलत है, असम्पशन सही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने। असेशन कहता है विजुअल लिटरेसी इज नॉट लाइक वर्बल लिटरेसी। बिल्कुल सही कहा गया, जो 100% सही कहा है ये, बिल्कुल यूजीसी का मानना पड़ेगा ये लाइन है, उन्होंने लिखकर बहुत बड़ा काम किया। देखिए जो विजुअल लिटरेसी है ना, जो विजुअल मतलब जो हम क्रिएट करते हैं, कोई एक आर्टिस्ट क्रिएट करता है, उसकी वर्बल लिटरेसी से बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल सही कहा गया है, मैं सल्यूट करता हूँ यूजीसी को, क्योंकि जो विजुअल लिटरेसी बिल्कुल, देखिए जो आर्ट है विजुअल के थ्रू आप किसी ऐसे लोग से भी यानी बात कर सकते हो जिनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, ना ही आपको उनकी। तो आर्ट और विजुअल फॉर्म ऐसा फॉर्म है, ठीक है। और वर्बल के लिए आपको भी वही शब्द आने चाहिए जो यानी नेक्स्ट जिसको जिससे आप बात कर रहे हो उसको आते हैं। जैसे हमें अंग्रेज से बात करना है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, उनको हिंदी आए तो आए बट हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये विजुअल लैंग्वेज जो है ना, विजुअल लिटरेसी, ये बहुत ऊपर आती है लिटरेसी, वर्बल लिटरेसी से, ठीक है। असर्शन 100% सही है। रीज़न दिया जा रहा है एज वी हैव टू लर्न रीड एंड राइट, वी हैव नॉट टू लर्न टू रीड द विजुअल वर्ल्ड। देखिए वही बात की गई है जो मैं बता रहा था, विजुअल जो वर्ल्ड है उसमें ना ही पढ़ाई की ज़रूरत है ना ही लिखाई की ज़रूरत है, जबकि विजुअल लिटरेसी में ये सब जरूरत है। तो हमारा रीज़न बिल्कुल सही है और असर्शन बिल्कुल सही, और ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। असर्शन बहुत बार करेक्ट है हमारा, तो क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, असर्शन कहता है एडवर्ड मंच इज वेल नोन पेंटर, ऑल्सो डन वुड कट एंड लिथोग्राफी। बिल्कुल सही, एडवर्ड मंच ने वुड कट लिथोग्राफी में काम किया और अपनी पेंटिंग एक्टिविटी भी की। रीजन दिया जा रहा है दोज डेज आर्टिस्ट डू नॉट हैव सेटिस्फेक्शन इन ओनली वन मीडियम एंड टेक्निक ऑफ आर्ट। तो रीज़न मेरे को बिल्कुल अटपटा यानी गलत ही लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन दिनों वो सेटिस्फाई नहीं थे एक टेक्निक या एक मीडियम से। तो इसका यानी रीज़न गलत है, क्योंकि एडवर्ड मंच के समय में, उस समय क्या चल रहा था, उस समय लिथोग्राफी भी चलती थी, उस समय प्रिंट चलते थे, एक्वाटिंग चलते थे, यानी सारी चीज़ें चलती थी। बट वो क्या था, उनको हर एक चीज़ को अप्लाई करना था, उनको ट्राई करना था, ठीक है। जैसे हर एक आर्टिस्ट को ट्राई करना होता कि मैं ऑयल में भी काम करूँ, पेस्टल में भी, स्केच सब करूँ, ठीक है। तो हमारा रीज़न यहाँ पे गलत है, असर्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन कह रहा है हमसे असर्शन स्मोकिंग द प्लेट हेल्प सॉफ्ट ग्राउंड टू ड्राई एंड क्लोजिंग द पिन होल्स। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, स्मोकिंग से थोड़ा सा जो प्लेट होता है ग्राउंड में, थोड़ा सा ड्राइनेस आते हैं और जो होल्स होते हैं वो थोड़े क्लोजिंग हो जाते हैं। तो रीज़न देखते हैं इसका, व्हेन द वेरी थिन सॉफ्ट ग्राउंड अप्लाइड ऑन प्लेट सो प्रिंट मेकर हैज़ टू क्लोज द पिन होल्स विद नॉर्मल ग्राउंड। ये गलत है, रीज़न हमारा गलत है, ग्राउंड वे अप्लाइड, ठीक है। तो हमारा असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने। असर्शन कहता है पॉल गॉगिन वॉज पेंटर एंड ऑल्सो डिड प्रिंट्स। देखिए पॉल गॉगिन ने पेंटिंग तो की, ऑल्सो डिड प्रिंट, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि पॉल गॉगिन ने वुड कट में काम किया है, एचिंग में काम किया है, ठीक है। रीज़न दिया जा रहा है पॉल गॉगिन वॉज इंस्पायर्ड इन ताहिती आइसलैंड बाय इट्स नेचर एंड वुमेन। बिल्कुल करेक्ट कहा गया, यानी ताहिती आइसलैंड में जाकर उसमें यानी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, उसने शादी करी और थोड़ा वहाँ की जो वूमेन थी वहाँ से थोड़ा इंस्पायर हुआ, नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था पॉल गॉगिन। तो हमारा रीज़न और असर्शन बिल्कुल सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी यूजीसी ने बी ऑप्शन माना है इसको, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। असर्शन कहता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, एक्सप्लेन कर रहा है परसिस्टेंस ऑफ विजन दैट इमेज इफ शोन इन फास्ट सक्सेशन। अगर किसी इमेज को यानी जल्दी जल्दी दिखाई जाए, फास्ट में दिखाई जाए, द ह्यूमन आई वुड परसीव देम एज अ मूविंग। और फिर उस इमेज को ह्यूमन आई, जो इंसानी आँखें हैं, वो परसीव कैसे करती है, मूविंग में,
बिल्कुल सही कहा जा रहा है यहाँ पे। किसी चीज़ को आप यानी जल्दी जल्दी यानी किसी फास्ट मूवमेंट में दिखाएंगे तो वो मूवमेंट ही दिखेगा किसी, यानी मूविंग ही दिखेगी। तो हमारा परसिस्टेंस विजन का एक्सप्रेशन यानी असर्शन हमारे यहाँ पे सही है। रीज़न दिया जा रहा है, परसिस्टेंस ऑफ विजन इज़ अ फिनोमिनन यूज फॉर फ्लिप बुक्स। फ्लिप बुक का यहाँ पे उदाहरण बिल्कुल करेक्ट दिया है यहाँ पे। जैसे फ्लिप बुक आपने देखी होगी जिसमें सात यानी सात आठ पेजेस होते हैं, उसको ऐसे फ्लिप किया जाता है और फिर एनिमेट होता है और हमारा यानी माइंड भी यानी लगता है उसे कि वो चीज़ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो हमारा यानी रीज़न असेशन दोनों करेक्ट है, तो बहुत है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। असेशन कहता है टर्टरी कलर आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनालॉगस कलर विथ रिस्पेक्ट टू द कलर व्हील। तो एनालॉग कलर टर्टरी कलर यानी कहीं से लिंक बिल्कुल नहीं बन रहा, असेशन गलत है हमारा। एनालॉग कलर होता है जो साथ साथ के कलर होते हैं कलर व्हील में। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है, तो यहाँ पे ऑरेंज होगा। तो ऑरेंज और रेड और येलो ये एनालॉगस कलर होंगे, जबकि टर्टरी में एनालॉगस का कुछ ऐसा कुछ है नहीं। एनालॉगस टर्टरी में सेकेंडरी और प्राइमरी कलर के साथ होते हैं। ठीक है, रीजन में कह रहे हैं टर्टरी कलर्स आर सिचुएटेड बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर विद रिस्पेक्ट टू द कलर व्हील। बिल्कुल सही कह रहा है, जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं जैसे रेड येलो और ब्लू, रेड येलो ब्लू ये हमारे प्राइमरी कलर हो गए। फिर हम इससे सेकेंडरी कलर बनाते हैं जो हो गए यहाँ पे ऑरेंज येलो ब्लू मिला के ग्रीन और ब्लू और रेड मिला के पर्पल। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंडरी कलर हो गए ऑरेंज ग्रीन और पर्पल। अब हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर लेंगे तब हमें टर्टरी कलर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे तो इसकी फॉर्म की जाती है टर्टरी कलर की। तो हमारे यहाँ पे रीज़न बिल्कुल सही है कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर के बीच वाला जो कलर होगा हमारा वो टर्टरी कलर होगा। तो हमारा असेशन गलत है, रीज़न सही है, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। असर्शन कहा जा रहा है इन डिज़ाइन बैलेंस एम्फेसाइज रिदम यूनिट एंड कंट्रास्ट आर द प्रिंसिपल विद विच डिज़ाइन इज मेड। बिल्कुल सही कहा गया है, डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल है सही बताए गए और असर्शन बिल्कुल सही है हमारा। रीज़न दिया जा रहा है इन डिज़ाइन लाइन शेप टेक्सचर स्पेस साइज एंड वॉल्यूम वैल्यू आर द एलिमेंट्स डिटरमाइनिंग हाउ द डिज़ाइन इज मेड। यहाँ पे डिज़ाइन के एलिमेंट भी सही सही बताए रखे तो रीज़न भी बिल्कुल सही है हमारा। तो असेशन रीज़न दोनों सही है, बहुत बार करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। असेशन कहता है हमसे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग रिफ्लेक्ट मोस्टली हंटिंग सीन एंड वाइल्ड एनिमल। बिल्कुल सही कहा गया है, जो प्री हिस्टोरिक जो प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाएं होती हैं उन गुफाओं के अंदर उन केव के अंदर हमें पेंटिंग हंटिंग की ही मिलती है, मतलब शिकार की ही मिलती है, और वो भी जंगली जानवरों के शिकार और तो उन्हीं के चित्र मिलेंगे। तो बिल्कुल सही है असर्शन में हमारा। रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज लाइफ ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी वॉज लार्जली बेस्ड ऑन हंटिंग एनिमल। तो यहाँ पे रीज़न भी 100% सही दिया गया, क्योंकि जो उस समय के आदि मानव थे, उस समय के जो ह्यूमंस थे, वो फुल्ली डिपेंडेंट थे हंटिंग के ऊपर, वो भी एनिमल हंटिंग के ऊपर। ठीक है, उनको यानी आइडिया नहीं था कि खेती की जाए या कैसे कुछ किया जाए, वो एनर्जी के लिए यानी मांस खाते थे, वो भी एनिमल का हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और उसी के चित्र बनाते थे। तो हमारा रीज़न और असेशन यहाँ पे बहुत बार करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने। असेशन कहता है ड्राई ब्रश स्ट्रोक टेक्निक इज यूज्ड इन ऑयल एंड वाटर कलर पेंटिंग। बिल्कुल सही कहा जा रहा है असेशन, ऑयल और वाटर कलर में ड्राई ब्रश वाली टेक्निक यूज़ की जाती है। पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं तो पोस्टर कलर में भी ड्राई ब्रश की स्ट्रोक मारता था, एक्रेलिक में भी मारता था, इसलिए अगर यहाँ पे ओनली लिखा होता तो असेशन गलत हो जाता। मैं यानी ज़्यादा हर एक यानी टेक्निक में ड्राई ब्रश का यूज़ करता हूँ और
जैसे मैं पोर्ट्रेट वगैरह बनाता तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें यानी ड्राई ब्रश में मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये तो मेरा पर्सनल था एक्सपीरियंस। रीज़न देखते हैं, ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट अ स्पेशल टेक्सचर ऑन सरफेस। जो ड्राई ब्रश है वो बिल्कुल स्पेशल टेक्सचर क्रिएट करते सरफेस में। रीज़न बिल्कुल सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन कहता है इन मुगल पेंटिंग ऑफ अकबरी पीरियड होरिजोन इज ऑलवेज ड्रॉन हायर एज कम्पेयर टू लेटर पेंटिंग। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, जो मुगल समय पे जो पेंटिंग में जो होरिजोन होता है, होरिजोन क्या होता है, जो जमीन और आसमान को अलग करता है, ठीक है, उसको होरिजोन लाइन कहते हैं। जमीन अलग और आसमान अलग, ये झोपड़ी बना दी और ये बादल, आपको पता चल जाएगा ये होरिजोन लाइन है जो जमीन और आसमान को अलग कर रहे हैं। तो होरिजोन लाइन जो मुगल काल की थी वो बहुत ऊपर बनाई जाती थी, जो बाद में नीचे की ओर हल्की से शिफ्ट हुई। तो यहाँ पे बिल्कुल रीजन यानी असर्शन सही दिया जा रहा है। आपको याद होगा जो सलीम का जन्म वाला पेंटिंग है, सलीम का जन्म जो बाबर नामक का सबसे बढ़िया पेंटिंग माना जाता है, इस पेंटिंग में आपने देखा होगा कि जो होरिजोन है वो बिल्कुल छत पर है। होरिजोन यानी छत के ऊपर होरिजोन है, ऐसा बना रखा है। मतलब जो महल के बाहर का तक का दृश्य दिखा रखा है कि महल के बाहर कैसे खैरात बांटी जा रही है, फिर बाहर इन महल के अंदर कैसे ये हो रहा है, यानी अंदर कैसे कमरे के अंदर कैसे स्नान हो रहा है और छत के ऊपर कैसा मोर बैठा है, वो सारे एक एक पार्ट आपको पूरी स्टोरी अलग अलग स्टोरी, और ऊपर जाके छत पर जरा सा हमें होरिजोन वाली लाइन दिखती है। तो होरिजोन के यानी अलग ही इनकी कहानी है। रीज़न दिया जा रहा है, देखिए ड्यूरिंग द अकबर पीरियड मुगल एम्पायर एक्सपेंडिंग, सो इन द पेंटिंग ही वॉन्टेड टू कैप्चर ग्राउंड एक्टिविटी गोइंग ऑन इन हिज डोमेन। तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, अकबर अपना साम्राज्य फैला रहा था और वही शायद उसको दिखाने की कोशिश की गई है एक्टिविटी को। तो रीज़न बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, बहुत सारा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखिए मैं आपको बुद्ध का जो स्तूप है वो बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि बुद्ध जो स्तूप है वो लगता कैसे है और कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। ये हो गया हमारा अंडभाग, ठीक है, अंडभाग के तुरंत नीचे आ जाएगा ये मेधी, इसको मेधी कहते हैं, और फिर आ जाएगा ये प्रदक्षिणा पथ, फिर प्रदक्षिणा पथ के बाद आ जाएगा बाहर की ओर जो दीवार होती है जिसे वेदिका कहते हैं, ठीक है, और फिर चारों तरफ होते हैं ये तोरण द्वार। चारों तरफ तुरंत द्वारा होंगे ऐसे भी, इधर भी, इधर भी और फ्रंट में भी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से, सबसे ऊपर होती है हमारी छतरी, ठीक है, और फिर छतरी के नीचे होती है ये हर्मिका, हर्मिका के नीचे आता है ये गोल वाला भाग जिसे अंड वाला भाग कहते हैं। हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में कर लेना, अंड लिख देता है यहाँ पे अंड, और फिर ये वाला जो हिस्सा होता है ये और ये दोनों होता है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ बेसिकली चलने के होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये, इसको कहते हैं मेधी, और ये वाला जो बाहर वाली रेलिंग्स होती है ना ये, इसको कहते हैं हम वेदिका। और तोरण द्वार ये होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैंने बता दिया आपको कि कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है बुद्ध के जो स्तूप होता है। तो ये बुद्ध का स्तूप में अब हम आराम से लगा सकते हो आप कि कहाँ पे कैसे। तो हमें पहले
बॉटम से टॉप की हो जाना है, तो बॉटम में सबसे यानी नीचे छत्रवली मेदी, तो मेदी ही दिख रहा है हमें ऑप्शन में, तो मेदी नीचे आएगा, फिर उसके ऊपर अंडभाग आएगा, हर्मिका और फिर छत्रवली। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको भी समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से जो मैंने यहाँ पे बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वेस्टर्न मॉन्यूमेंट। जो वेस्टर्न मॉन्यूमेंट है उसको हमें क्रोनोलॉजिकल यानी समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे हमारे ये पार्थेनोन, इसका यानी 447 BC माना जाएगा। ठीक है, अभी तो ये नष्ट वाली हालत में ग्रीस के अंदर है, और नष्ट वाली हालत में ये मतलब टूटा फूटा ही है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पार्थेनोन एक्रोपोलिस, के बाद आएगा हमारा कोलिजम ऑफ रोम। कोलिजम ऑफ रोम 70 से 80 AD के बीच बना। ठीक है, ये भी थोड़ा सा तहस नहस अवस्था में है। फिर आता है हागिया सोफा जो 537 AD में बना, और यानी कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के समय में बना हागिया सोफा, हागिया सोफिया। और आजकल इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है 2020 के अंदर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हागिया सोफिया में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, देखिए ये हागिया सोफिया बना था 537 AD में और कॉन्स्टेंटाइन प्रथम द्वारा, फिर इसको एक मुस्लिम शासक ने जीत लिया था, इसको फिर चर्च की जगह बना दिया, उसने एक मस्जिद बना दी। फिर कुछ सालों बाद इसको यानी कुछ लड़ाई वगैरह का यानी देखते हुए इसको मोजल यानी म्यूज़ियम बना दिया गया था। अब 2020 में क्या चल रहा है, इसको ना मस्जिद बनाने का चल रहा है दोबारा, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है। ठीक है, हागिया सोफिया के ऊपर। कैथेड्रल ऑफ रीम्स, रीम्स कैथेड्रल को हम कहते हैं नोट्रेडोम दे रीम्स फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के अंदर है ये, नोट्रेडोम आता है सबसे आगे, इन्होंने लिखा नहीं। तो ये बना था 1211 से 1345 के बीच। ठीक है, तो यही हमारा सही सीक्वेंस होगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेंटिंग ऑन सिस्टाइन चैपल अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल के अकॉर्डिंग जो सिस्टाइन चैपल है उसमें यानी पेंटिंग का क्या सीक्वेंस है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आदमी का क्रिएशन किया गया, क्रिएशन ऑफ एडम। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एडम, फिर होता है क्रिएशन ऑफ ईव, पहले पुरुष का किया गया, मेल का, फिर फीमेल का। फिर होता है एक्सप्लोजन फ्रॉम पैराडाइज, फिर होता है द सेक्रीफाइस ऑफ नोहा। ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और सिस्टाइन चैपल के अंदर माइकल एंजेलो ने ज़्यादातर ये पेंटिंगें बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्टिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समय के अनुसार हमें आर्टिस्टों को लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा डोनाटेलो, कहाँ पर ये रहा, डोनाटेलो 1386 में इनका जन्म हुआ, इटालियन स्कल्प्टर है, इटालियन स्कल्प्टर वैसे सारे ही है। ठीक है, लोका डेलो रोबिया, इनका जन्म होता है 1400 में, ये भी इटालियन स्कल्प्टर है। फिर बर्नी आते 1598 में, फिर आता है मेड्रोसो रोसो, इनका जन्म 1850 में होता है। तो हमारा सही सीक्वेंस में लग गया है 1386, 1400, 1598 और 1850। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे सामने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समय के अनुसार लगाना है हमें। तो सबसे पहले आना चाहिए रोमन आर्ट, रोमन आर्ट के बाद आएगा बाइजेंटाइन आर्ट, बाइजेंटाइन के बाद रोमनस और फिर रेनेसांस। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रोमन का मैं समय पीरियड बता देता हूँ, जो रोमन का समय पीरियड रहा वो 500 BC से है। ठीक है, फिर आता है बाइजेंटाइन जो 300 करीब की है, 330 AD करीब की है। फिर आते हैं रोमनस आर्ट, रोमनस आर्ट थोड़ा सा 6 से 11वीं शताब्दी के बीच में आ जाते हैं, सेंचुरी। फिर आता है रेनेसांस आर्ट, रेनेसांस का यानी 14 से 16 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, तो यही हमारा सही सीक्वेंस था, 520 330 AD देन 6 to 11 सेंचुरी, 14 to 16 सेंचुरी। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन भी लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें यानी समय के अनुसार लगाने ये जो मूवमेंट चले। तो सबसे पहले इम्प्रेशनिज्म आएगा,
इम्प्रेशनिज्म के बाद आएगा हमारा क्यूबिज्म और फिर कंस्ट्रक्टिविज्म और दादाइज्म। मैं एक एक करके बताता हूँ, बी ऑप्शन है वैसे तो पता चल गया। पहले चलते हैं इम्प्रेशनिज्म में। ये आता है हमारा 1870 से 80 के बीच में बहुत ऊपर तक रहा। और इम्प्रेशनिज्म आपको पता है कि क्लाउड मोनेट की जो पेंटिंग थी सन ऑफ इम्प्रेशन, उसके ऊपर ये इम्प्रेशनिज्म पूरा चला मूवमेंट। क्यूबिज्म के लिए पिकासो बहुत फेमस है, पिकासो ब्राक ये बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट है जो क्यूबिज्म को लेके आए, इंट्रोड्यूस कराया, और ये 19वीं शताब्दी में काफ़ी प्रचलित कराया। इसका एग्जैक्ट देखा जाए तो 1907 से 14 के बीच काफ़ी फला फूला क्यूबिज्म। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म एक रशियन आर्ट मूवमेंट था जो यानी रशिया के अंदर चला, फिर यूरोप के अंदर भी आया बाद में। तो एग्जैक्ट डेट इसकी पता नहीं, फिर भी एक अराउंड शेप लेके चल रहे हैं जो 1913 का है, ठीक है। दादाइज्म का माना जा रहा है 1915 से 23 के बीच का, ठीक है। तो ये थे हमारे सही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिंट मेकर। अब हमें प्रिंट मेकर के सही सीक्वेंस पे लगाने हैं, तो सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पे रिनी धूमल आनी चाहिए। रिनी धूमल का जन्म 1948 और ये बंगाल में हुआ। और फिर आएंगे हमारे यहाँ पे विलास शिंदे। विलास शिंदे का जन्म 1953 में सतारा जिले यानी महाराष्ट्र के अंदर हुआ। फिर आएंगे हमारे पलानी अप्पन का जन्म, यानी इनका पूरा नाम आर.एम. पलानी अप्पन है और इनका जन्म हुआ 1957 तमिलनाडु के अंदर। फिर लास्ट में कविता नायर जो पंजाब की है, अमृतसर में जन्म है इनका और 1957 का ही जन्म है इनका भी, ठीक है। तो ये हमारा सही सीक्वेंस लग गया, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रिनी धूमल यहाँ पे ये रहा 1948, विलास शिंदे 1953, आर एम पालनी अपन 1957, कविता नायर भी 1957 पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मटेरियल यूज फॉर एक्वाटिंट। जो एक्वाटिंट प्रिंट के लिए हम मटेरियल यूज करते हैं उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले हम रेजिन डस्ट लगाते हैं अपनी प्लेट के ऊपर, रेजिन डस्ट लगाते हैं जो एक्वाटिंट बॉक्स के अंदर हम रेजिन डस्ट छोड़ देते हैं और प्लेट पर इवन लेयर लग जाती है रेजिन डस्ट की। फिर हम उसे हीट करते हैं, देन हमारा ग्राउंड यानी तैयार होता है, देन हम उसको यानी रेडी करते हैं। फिर नाइट्रिक एसिड में डुबोते हैं, उसे एचिंग करते हैं, देन हम इंक विंक लगा कर उसे प्रिंटिंग के लिए तैयार करते हैं और लास्ट में हम प्रिंट करते हैं प्रेशर देकर। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मटेरियल यूज इन लिथोग्राफी। लिथोग्राफी के जो मटेरियल लगता है उसमें हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा कार्बोनडम पाउडर आएगा। कार्बोनडम पाउडर यानी हम जब ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं लिथो स्टोन से, तो उसे उसके लिए हम थोड़ा सा चाहिए होता है कार्बोनडम पाउडर। फिर हम अरेबिक गम यूज़ करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं टूशे से ड्राइंग करने के बाद भी अरेबिक गम यूज़ करते हैं, देन वॉश आउट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, देन इंक लगा के फिर हम अपना प्रिंट ले लेते हैं। और आपको पता होगा जो लिथोग्राफी है वो ऑयल और वाटर के रिपेलेंट से चलती है, ठीक है, वाटर के रिपेलेंट से होती है। मतलब जो नॉन इमेज एरिया वो वाटर होता है, वाटर सर यानी होता है, यानी वहाँ पे इंक नहीं जाती, और जो इमेज एरिया होता है उसमें हमारी यानी ग्रीस लगती है, ऑयल लगता है, और यानी वो चीज़ इंक भी पकड़ती है और आगे पेपर पर ट्रांसफ़र भी करती है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। और लिथोग्राफी की अगर बात की जाए तो 1796 में सेनफेल्डर द्वारा इसको खोजा गया। सेनफेल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने। करेक्ट सीक्वेंस द मेन वर्बल एलिमेंट इन प्रिंट एड आर। प्रिंट एड जब निकाली जाती है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, तो उसका सही सीक्वेंस क्या है, उसको यानी कंपोज किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आएगा हमारा बड़ा बड़ा हेडलाइन। बड़ा बड़ा हमारा हेडलाइन आता है जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया,
ठीक है, देखा होगा आपने सबसे बड़ा बड़ा हेडलाइंस, द टाइम्स है ना, द टाइम्स हो गया, जैसे मैगजीन हो गई द टाइम्स की, तो सबसे बड़ा बड़ा लिखा होगा, फिर सब हेडलाइन होगा कि लीडिंग न्यूज़पेपर, ये छोटे छोटे वर्डों में लिखा होगा। फिर आता है बॉडी कॉपी, जो बहुत ज़्यादा छोटे वर्डों में लिखा होता है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो फिर भी इसके आधे मान सकते हैं, बट जो बॉडी कॉपी होगा वो बिल्कुल छोटी छोटी लिखी जाती है, ठीक है। फिर स्लोगन आ गया, स्लोगन यानी थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में लिख देते हैं, तो ये हमारा पूरा ऐड का हो जाता है, यानी सीक्वेंस भी और पूरा कंस्ट्रक्शन भी बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आप भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 56। इसमें रेनेसां रीअरेंज इन ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो हमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पहले जो मैसेज भेजता है उसको हम सेंडर कहते हैं, ठीक है, मैसेज भेजने वाले को सेंडर कहते हैं। उस सेंडर ने जब मैसेज को इनकोड करता है, मतलब उसको एक चिट्ठी में लिख लिया, इनकोड कर लिया अपनी भाषा में, जैसे कैसे यानी लिख लिया उसको लेटर में, ठीक है, और उस लेटर को वो आगे चैनल के थ्रू भेजता है। तो चैनल कुछ भी हो सकता है, जैसे कबूतर हो गया, कबूतर के हाथों चिट्ठी भिजवा दी, या किसी के हाथों भिजवा दी, या पोस्ट कर दिया, तो वो क्या कर रहा है, वो चैनल का यूज़ कर रहा है आगे अपना मैसेज भेजने के लिए। और जो लास्ट वाला है जहाँ पे मैसेज जाना है वो रिसीवर है, ठीक है, जहाँ पे वो मैसेज पहुँचना होता है। तो इसी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और मैंने आपको बताया थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द कूल टू वार्म कलर। अब हमें जो ठंडे कलर होते हैं उससे लेकर गर्म कलर की ओर ले जाना है। तो ठंडे कलर हमारे होते हैं जैसे ब्लू के शेड्स हो गए, ग्रीन्स के शेड हो गए, और इनसे ही मिलते हुए बहुत सारे शेड हो जाते हैं, और हमारे हॉट कलर हो जाते हैं जो वार्म कलर में आते हैं, जैसे क्रिम्सन, जैसे रेड कलर, रेड के टोन और ऑरेंज के टोन, थोड़े से डार्क, तो ये सारे हॉट कलर में आते हैं वार्म कलर में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ब्लू आ गया, सही है, ब्लू के बाद ग्रीन आ जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये दोनों कूल कलर हो गए, फिर रेड की ओर जा रही है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समय के अनुसार हमें सारा यानी अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही लगाना है सारा समय के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा मोनेट, मोनेट का जन्म होता है 1832 में, और ये भी फ्रांस के अंदर होता है। फिर आता है पॉल गोगिन 1848, देखिए पॉल गोगिन और राजा रवि वर्मा का जन्म एक ही दिन हुआ है, यानी एक ही साल में हुआ है, मतलब 1848, जिससे आपको उसका भी जन्म याद हो जाएगा और पॉल गोगिन का भी याद हो जाएगा 1848, ठीक है। फिर डाली आता है 1904 और जैक्सन पोलाक 1912, ये यूएसए में हुआ था, डाली हमारा स्पेन में हुआ था, स्पेन, ठीक है। तो हमारा यही सीक्वेंस बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएशन। तो सबसे पहले देखा जाए तो कल्पसूत्र माना जाएगा, क्योंकि ये भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, और जब महावीर की मृत्यु हुई थी उसके 700 से 800 साल बाद इसे लिखा गया था, ठीक है। तो ये BC करीब में आता है, और फिर आता है महापुराण, फिर हमजानामा आता है जो मुग़ल काल की है, फिर आता है रज़्मनामा। रज़्मनामा भी मुग़ल काल की है, अकबर काल में चित्रित की गई है, और ये रामायणी महाभारत का रूपांतरित रूप है, जो यानी उर्दू और ईरानी भाषा में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंडियन पेंटिंग स्कूल। देखिए इंडियन जो स्टेली थी पेंटिंग स्कूल की, उसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पुरानी यहाँ पे अजंता ही लग रही है, अजंता के बाद आएगा हमारा कांगड़ा, कांगड़ा के बाद आएगा गरवाल, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर गरवाल के बाद आएगा बंगाल शैली, अजंता हमारा 2nd BC से 780 तक का है, कांगड़ा यानी 17वीं शताब्दी से पहले की है, और गरवाल 17वीं के बाद का। फिर आता है बंगाल जो 19वीं शताब्दी की है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 61, मैच द फेमस पेंटर पेंटिंग्स टू देयर रिस्पेक्टिव आर्टिस्ट। राफ्ट ऑफ मेडूसा बहुत फेमस है जेरिकॉल्ट का, थियोडोर जेरिकॉल्ट नाम है इसका पूरा। स्क्रीम बहुत फेमस पेंटिंग है एडवर्ड मोंच की। फिर आता है लॉन्च ऑफ ग्रास, ये मानेट का बना हुआ है, थोड़ा न्यूड है इसके अंदर। स्कूल ऑफ एथेंस राफेल का फेमस है। ठीक है, तो हमारे लग गए सीक्वेंस में, ए का तीसरा, बी का दूसरा, तीसरा दूसरा, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मैच द फॉलोइंग द ऑथर विद देयर वर्क्स। तो ऑथर को उनके वर्क से लगाने, बेंजामिन रोलैंड का वर्क है यहाँ पे, जो बुक लिखी इन्होंने, द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वाले बुक लिखी है इसने। फिर आता है वी एस अग्रवाल, इनकी बुक है इंडियन आर्ट। और फिर आता है पर्सी ब्राउन, इनकी बुक है इंडियन आर्किटेक्चर। और फिर आता है एस के सरस्वती, सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। ठीक है, इनकी बुक है ये वाली। तो हमारा सही सीक्वेंस लग जाए, ए का तीसरा, बी का चौथा, दूसरा, तीसरा चौथा, दूसरा, तीसरा चौथा, दूसरा पहला। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। यूजीसी ने डी ऑप्शन माना था जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैच द फॉलोइंग पायरोमेट्रिक। पायरोमेट्रिक कौन क्या होता है, एक कौन की शेप का होता है, और बेसिकली हीट के लिए यूज होता है। तो हीट के लिए हमारा टेराकोटा आ जाएगा यहाँ पे। और फिर आता है पॉइंटेड चेजल, यहाँ पे आर की जगह एस होना चाहिए, चीजल होता है। पॉइंटेड चीजल हम स्टोन कार्विंग में यूज करेंगे। और गोज, गोज क्या होता है, ये राउंड कलर का चीजल होता है। चीजल मतलब ये तो पॉइंटेड चीजल था, ये राउंड कलर का चीज हम वुड कट में यूज करेंगे, ये राउंड का होता है इसका एज। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे उसका हैंडल लगा होता है जिसको हम पकड़ के, यानी वुड वुड काट करते हैं। ठीक है, ये वुड कट के लिए हो जाएगा गोज। लूटो का आ जाएगा हमारा ब्रोंज कास्टिंग के अंदर। देखिए लूटो क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जब भी हम ब्रोंज की कास्टिंग या किसी भी मेटल की कास्टिंग करते हैं, तो हम ना दो तरीके के मोल्ड बनाते हैं। पहला मोल्ड हम वैक्स के लिए बनाते हैं, और दूसरा एक, यानी एक तोड़ने के लिए बनाते हैं। तोड़ने के लिए मतलब ब्रोंज के लिए बनाते हैं, एक वैक्स के लिए बनाते हैं, दूसरा ब्रोंज के लिए। वैक्स के लिए बनाते हैं जिससे हम वैक्स बना सके, और उसमें फिर पाइप वाइप और उसके, यानी उसका स्ट्रक्चर बना सके, इसलिए पहला स्ट्रक्चर यानी मोल्ड तैयार करते हैं। और दूसरा मोल्ड इसलिए तैयार करते हैं जिसमें हम उसको, यानी मेल्टिंग ब्रोंज डालें, तो जो वैक्स है वो पिघल कर ब्रोंज की शेप ले लें, ब्रोंज अपना शेप ले लें उसमें। ठीक है, तो हमारा ये जो सेकेंड वाला मोल्ड होता है, इसी को हम लूटो कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला मोल्ड जो ब्रोंज का काम आता है, जिसको तोड़ दिया जाता है ब्रोंज निकालने के बाद। तो हमारा ये हो गया, तो हमारा पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, दूसरा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैच द फॉलोइंग द लूव्र संग्रहालय पेरिस का बहुत फेमस है। बैपटिस्ट्री एस जियोवानी, ये फ्लोरेंस का म्यूजियम है। और फिर आता है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट, ये लंदन का म्यूजियम है। फिर आते हैं द पार्थेनॉन, ये द पार्थेनॉन ग्रीस के अंदर है। ठीक है, तो हमारा ये सीक्वेंस में लग गया 3 4 1, 3 4 1, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, मैच द फॉलोइंग स्कल्प्टर्स विद देयर रिलेटिव सिटीज। नाम्बियन बलान आएंगे बेंगलोर में, आर्टिस्ट को उसके सिटीज में मिलाना है। रविंद्र रेड्डी हैदराबाद, प्रतिपाल लांडी शिलोंग, और मृणालिनी मुखर्जी हमारी दिल्ली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मैच द फॉलोइंग चित्तो प्रसाद काम करते हैं मेटल फॉइल में। देवयानी कृष्णा काम करती है कलर्ड एचिंग में। जयंत पारेख काम करते हैं लीनो कट में। और सनत कर काम करते हैं हमारे वुड इंटेग्लियो में। और इंडिया के अंदर भी वुड इंटेग्लियो यही लेके आए थे सनत कर। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा पहला चौथा, पहला चौथा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने। लेविगेटर हम लिथोग्राफी में यूज़ करते हैं।
जब हमें स्टोन को यानी घिसना होता है। ठीक है, स्क्वीज हम यूज़ करेंगे सिल्क स्क्रीन के अंदर, और ब्यूरिन हम यूज़ करेंगे वुड कट के अंदर, और रोलेट हम इंटैग्लियो के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लग गया सही सीक्वेंस, 4 3 और 1 2 4 3 1 2, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, मैच द फॉलोइंग, आयरन क्लोराइड होगा हमारा एचिंग के लिए, और स्नेक स्टोन, स्नेक स्टोन से आ जाएगा क्रिएट ऑफ स्टोन ड्राइंग, टैलो से आ जाएगा हमारा जो फोरग्राउंड बनाते हैं, और फ्रेंच चौक आ जाएगा हमारा वाइपिंग के लिए यूज। ठीक है, हमारा ये मैच कर दिया गया सारा, तो एक का हो जाएगा 3, एक का 3, ये डी ऑप्शन आ गया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे सामने, मैच द कम्युनिकेशन मेथड फॉर प्रिमिटिव टू मॉडर्न। देखिए, जो कम्युनिकेशन का मेथड बरसों से चलता आ रहा, थोड़ा सा मैच करना है। तो ऑडियो हमारा अर्ली 20 में आ चुका था, प्रिंट हमारा गुटेनबर्ग लेके आया था 1440 में, ऑडियो विजुअल आया हमारा मॉडर्न के टाइम, और प्रिमिटिव में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जाती थी। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1 4 3 2 1, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, बैनर एडवर्टाइजिंग हमारे वो यूज़ होती है वेब पेज के लिए, जो वेब पेज के लिए हम बैनर बनाते हैं वो हो गया, सेंटर पेज हो गया मैगजीन एड के लिए, और फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग कहा जाता है डेविड ओगिलवी को, और डायरेक्ट प्रिंटिंग हम लेटर प्रेस में आ जाएगा। ठीक है, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में आ गया डायरेक्ट प्रिंटिंग, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन चौथा पहला डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, मैच द फॉलोइंग, न्यूज़पेपर में हमें गटर स्पेस देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया होगा जैसे हमारा न्यूज़पेपर है ये, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला होता है हमारा गटर स्पेस। ठीक है, इसको कहते हैं गटर स्पेस, ये स्पेस होता है जहाँ से मुड़ता है पूरा न्यूज़पेपर। डबल स्प्रेड एड हमारी मैगजीन की हो जाएगी, पैकेजिंग के लिए हम ब्रांडिंग बनाएंगे, और सैंडविच हमारा आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो हमारा लग गया ऑप्शन दूसरा चौथा ये रहा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, मैच द फॉलोइंग, हम अब हमें मोमेंट को उसके आर्टिस्ट से जुड़ना है। इम्प्रेशनिज्म के लिए क्लाउड मोनेट जाने जाते हैं, जिनकी पेंटिंग सन इम्प्रेशन पे, इम्प्रेशनिज्म हुआ पूरा मूवमेंट चला। फोविज्म हमारे मतीस हो गए, और एक्सप्रेशनिज्म हमारे मुंच हो गए, सर रिलिज्म हमारा मीरो हो गए, जॉन मीरो। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस लग गया है सही, और हो जाएगा तीसरा पहला चौथा दूसरा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, मैच द पेंटिंग एंड मीडियम, पेंटिंग और मीडियम को मैच करना है। तो सबसे पहले ट्रीज का हेड सिवाश, थ्री वुमेन ऑयल में है, जो अमृता शेरगिल के द्वारा बनी गई है, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। वैसे भी यूजीसी ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग माना है, वो सबको आंसर दिया है, यानी सबको एक बोनस नंबर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, मैच द फॉलोइंग टू देयर ईयर ऑफ बर्थ, एनएस बेंद्रे का जन्म 1910 इंदौर के अंदर होता है। ठीक है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है ये। के हेबर का जन्म होता है 1911 में, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ठीक है, और इनका जन्म के हेबर का कोलकाता के अंदर होता है, कोलकाता। फिर आते हैं बिमल दास गुप्ता, इनका जन्म बंगाल के अंदर 1917 के अंदर होता है। और फिर आते हैं एच एस रजा, ठीक है, इनका जन्म 1922 के अंदर होता है, और मध्य प्रदेश के अंदर होता है, एमपी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही सीक्वेंस, एनएस बेंद्रे का तीसरा पहला चौथा। तो वैसे तो ये ऑप्शन होना चाहिए,
पर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये 1912 लिखा था जबकि 11 होना चाहिए। तो ये था हमारा सही सीक्वेंस और सही नंबर के साथ। तो हमारे पेपर 3 के पूरे 75 क्वेश्चन हो गए, पेपर 2 के पूरे आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, और ये 2012 का पूरा हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। एक नॉलेजेबल वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ, एंड यू आर एन अमेजिंग लर्नर। तो देखिए, अब पहले तो जाके सबसे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और विजुअल नेट का पेपर डाउनलोड कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ना है। और जब पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंस होते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्रैक करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो, या आप सीरियस हो कि सर मैं करना चाहता हूँ, तो उनके लिए मेरा ये पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैं यानी बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ, लाइक क्वेश्चन पेपर, नेट यानी टेस्ट सीरीज चलती है, और नोट्स मिलते हैं, एक एक कोचिंग मिलती है, और रिसेंट एक्टिविटी के ऊपर जो आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी होती है जिसमें आर्टिस्ट और उसके वर्क और सबको डिस्क्राइब किया जाता है, उस ग्रुप का पार्ट आप बनोगे उस पेड ग्रुप में, और फ्री कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।